हनुमान जयंती में हनुमान जी के बारे में जानकारी बोलो। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस वर्ष 23 अप्रैल दिन मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था, अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना अंजनी और उनके पिता वानरराज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरीनंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थीं। ये सब भगवान शिव और वायु देव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जन्म की कहानी। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हतना होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदन से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निःशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। दोस्तों, आपको ये हनुमान जी की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।